गुड मॉर्निंग फॉर्थ क्लास आई होप यू ऑल आर गुड टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर सेवेंटीन फ्रॉम ग्रीन पाथवे बुक एंड चैप्टर सेवनटीन नेम इज हाउसेज एंड ब्रिजेस इसमें हम पढ़ेंगे घरों के बारे में और ब्रिजिस के बारे में लेट स्टार्ट इन अवर नेबरहुड वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज अपार्टमेंट एंड मर्डी स्टोरीज हम अपने घर के आगे पीछे देखते हैं बहुत अलग अलग तरह के घर होते हैं अपार्टमेंट्स होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है व्हेन वी ट्रैवल इन अ ट्रेन जब कभी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वी मे सी सम मोर वैराइटीज ऑफ हाउस हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के घर हैं हैव यू वंडर वाई दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन और कंट्री क्या आपको जानने की इच्छा हुई है कि अलग अलग तरह के घर अलग अलग रीजन में क्यों पाए जाते हैं या अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के घर क्यों होते हैं द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ प्लेस द इकनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एंड द एवेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटीरियल आर सम फैक्टर्स दैट लीड टू चेंजिंग इन द डिफरेंट रीजन ऑफ़ द वर्ल्ड क्या कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है हमारे घर के आगे पीछे का वो भी डिपेंड करता है हमारे घर के बनाने में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है या पीपल जो भी घर बना रहे हैं उसके कंडीशन कैसी है ये भी डिपेंड करता है घर के लिए या फिर जो कोई भी हम घर बना रहे हैं उसके मटेरियल के लिए क्या क्या फैक्टर्स मौजूद हैं ठीक है थीके? जिस एरिया में हम घर बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या किस किस तरह के मटेरियल अवेलेबल है तो इस तीन फैक्टर्स पे घर डिपेंड्स कर ठीक है तो फ़र्स्ट टॉपिक हमारा है बिल्डिंग्स एंड बिल्डर्स यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द रॉ मटीरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ब्रिजज़ अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मार्केट रोड एंड शॉपिंग मॉल आपको आपने पढ़ा ही होगा कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं एक बिल्डिंग बनाने में घर बनाने में या ब्रिज बनाने में रो मटीरियल क्या होता है कच्चा माल कुछ भी चीज़ अगर हम बनाते हैं बिल्डिंग बनाते हैं घर बनाते हैं कोई बिल्डिंग मार्केट बनाते हैं तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है उन सब के बारे में तो आपने पढ़ा ही है देर आर द बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड आर यूज़ फॉर डिफरेंट परपजेज बहुत अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती है उनके शेप्स भी अलग होते हैं उनकी साइज़ भी कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है उनका पर्पज़ भी अलग होता है कोई बिल्डिंग हॉस्पिटल की हो सकती है कोई स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है ठीक है ना बट समथिंग इज़ कॉमन अबाउट दैम बट उन सब बिल्डिंग्स में कुछ कॉमन होता है दे आर ऑल मेड ऑफ़ कॉन्क्रीट वुड आयरन स्टील ग्लॉस ग्लास एंड ब्रिक्स जो कोई भी बिल्डिंग है उनके बीच में क्या कॉमन है कि वो किस चीजों से बनती है वुड से कॉन्क्रीट आयरन स्टील ग्लास एंड ब्रिक ये तो बेसिक मटीरियल है जो कि यूज़ होता है बिल्डिंग बनाने में सम पीपल हु वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइड मेक यूज ऑफ रू टूल्स एंड मशीन्स जो भी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है उसका जो एरिया होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत अलग अलग तरह के टूल्स और मशीन्स का यूज़ किया जाता है आगे टॉपिक है नेक्स्ट पेज पर एन आर्किटेक्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन एंड लाइसेंस टू प्लान डिजाइन एंड ऑब्स ओवर सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो एक आर्किटेक्ट होता है आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जिसको ट्रेंड किया जाता है या जिसको लाइसेंस होता है कि वो प्लान करे डिज़ाइन करे और ओवरसी करे मतलब कंस्ट्रक्शन साइड को बिल्डिंग को बनते हुए देखे एक आर्किटेक्ट को पूरी नॉलेज होती है उसको एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो वो हमारी हेल्प करते हैं डिज़ाइन बनाने में या फिर हमारी हेल्प करते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है बिल्डिंग को कैसे बनाना है की मेक्स द ड्राॅइंग ऑफ द हाउसेज एंड ऑफिसज वो क्या करते हैं आर्किटेक्ट ड्राॅइंग बनाते हैं हाउस की ऑफिस की जिसको हमने बनाना है उसकी पहले वो रफ़ स्केच ट्रा ड्रॉ करेंगे टुडे आर्किटेक्ट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग द प्लान आजकल आर्किटेक्ट किसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर का डिज़ाइन करने के लिए पहले वो किसी नोटबुक पर या किसी पेपर पर डिज़ाइन प्लान करते थे बट आज कंप्यूटर का टाइम है तो कंप्यूटर पर भी रफ़ स्केच बनाया जाता है आगे है एट टाइम्स चेंजिंग आर सजेस्टेड बिफोर गिविंग द फाइनल अप्रूवल फाइनल अप्रूवल से पहले जो आर्किटेक्ट होता है वो फिर भी सजेशन देता है कि आपको इस चीज़ों को चेंजिंग करना चाहिए जो आर्किटेक्ट होता है वो तो हमारे कहे हुए ऑर्डर को ही ड्रॉ करता है स्केच में बनाता है जैसे हम कहेंगे हमारे घर में फाइव रूम्स होने चाहिए तो आर्किटेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिजाइनिंग करेगा प्लान करेगा अगर आर्किटेक्ट ने वो अप्रूवल मतलब वो दे चुका है कि ये प्लान स्केच है ये रफ़ स्केच है आपके घर का तो वो फिर भी एक अप्रूवल मांगता है कि आपको ये ठीक लगता है अगर नहीं लगता तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ फिर जो इंजीनियर होता है वो अपनी टीम को तैयार करता है जिसमें होते हैं लेबर्स मासूम जो उनकी हेल्प करता है बिल्डिंग बनाने में द मासूम यूजेज अ ट्रॉवल ट्रॉवल टू पुट द सीमेंट जो मैसून होता है मैसून कौन होता है मिस्त्री जिसको जो अपने टूल्स का यूज़ करता है जिसका नाम होता है ट्रॉवल सीमेंट लगाने में द प्लम्बर लाइन्स हेल्प हिम टू इंश्योर दैट द वॉल्स बिल्ट इज स्ट्रेट जो प्लम्बर लाइन होती है उसको भी ध्यान में रख के ही दिमा दिमाग में रख के ही बिल्डिंग बनाई जाती है या दीवार बनाई जाती है वॉल यहाँ पे है दीवार के लिए ठीक है आगे है प्लम्बर अब प्लम्बर फिक्स पाइप स्टैब्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग जो प्लम्बर होता है वो पाइप्स फिट करता है टैप्स फिट करता है और थोड़ी बहुत ही फिटिंग जो कि हमें हमारे बिल्डिंग में चाहिए होती है ही यूज़ अ प्लायर व्रेंच पाइप कटर एंड हैमर फॉर देम वो किस किस टूल्स का यूज़ करता है प्लायर का जिसे हम प्लास बोलते हैं व्रेंच पाइप कटर एंड हैमर हैमर होती है हथौड़ी अपने साथ रखता है क्योंकि वो उसके टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो पाइप और टैप्स को फिक्स करता है ही हैज टू नो हाउ टू फिट थिंग सच दैट नो वाटर लीकेज अ कर उसको पूरी नॉलेज होती है उसको सब पता होता है कि कैसे फिटिंग करनी है जिसकी वजह से कोई भी लीकेज ना हो वाटर लीकेज ना हो इसलिए वो ऐसी अच्छी अच्छी फिटिंग करता है अपनी नॉलेज से आगे नेक्स्ट टॉपिक है अ कारपेंटर अ कारपेंटर मेक्स द टूल्स विंडो कपबोर्ड एंड अदर थिंग्स ऑफ वुड। एक कारपेंटर होता है वो डोर बनाता है विंडो बनाता है कपबोर्ड बनाता है और कोई भी चीज़ जो कि लकड़ी से बनती है वो बनाता है कारपेंटर ही यूजेज अ सॉ प्लान गिमलेट एंड ड्रिल हैमर वो किस किस टूल का यूज़ करता है सॉ प्लान गिमलेट एंड ड्रिल हैमर ही हैज़ टू नो विच वुड इज़ गुड फॉर डिफरेंट परपज़ उस कार्पेंटर को पूरी नॉलेज होती है कि किस तरह की लकड़ी का यूज़ करना चाहिए किस टाइम पर कि अगर हमने विंडो बनानी है तो किस वुड का यूज़ करना चाहिए अगर कपबोर्ड बनाना है तो किस वुड का यूज़ करना चाहिए तो कारपेंटर को अपने एरिया की पूरी नॉलेज होती है आगे नेक्स्ट टॉपिक है एन इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रीशियन पुट्स वायर्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो वायर्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग को करता है ही आल्सो फिक्स प्लग स्विचज लाइट्स एंड फैन वो प्लग्स लगाता है स्विच लगाता है लाइट लगाता है और फैंस लगाता है ही यूज प्लायर्स ड्रिल एंड स्क्रू ड्राइवर वो किस किस टूल का यूज़ करता है प्लायर ड्रिल और स्क्रू ड्राइवर ही हैज़ टू नो वट ऑफ वायर टू यूज एंड हाउ जॉइन दैम उसको किस बात की नॉलेज होती है कि कैसे को को वायर को फिक्स करना चाहिए और कैसे किस वायर को किसके साथ करना चाहिए पेंटर अ पेंटर पेंट्स द वॉल ऑफ द हाउस इन साइड एंड आउटसाइड जो पेंटर होता है वो घरों घर गर की दीवारों को पेंट करता है अंदर से भी बाहर से भी ही वर्क्स विद ब्रशिज पेंट गन्स एंड रोलर वो किस किस टूल्स का यूज करता है ब्रशेस का पेंट्स का स्प्रे गन्स का एंड रोलर्स का ही हैज़ टू नो द करेक्ट मैथड ऑफ पेंटिंग फॉर द पेंट टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम उसको किस बात की नॉलेज होती है सब उसको क्या पता होता है कि कौन सा करेक्ट मैथड है जिससे पेंटिंग बहुत लंबे समय तक चल सकती है ठीक है तो ये हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है बिल्डिंग्स एंड बिल्डर में बिल्डिंग्स होती है आपको पता है इमारत को कहते हैं बिल्डर्स क्या होते हैं उसको बनाने के लिए किस किस पीपल का यूज़ होता है जैसे अब बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्ट का यूज़ होता है जो प्लान बनाता है उसके लिए फिर उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर किस किस का हेल्प चाहिए होती है मैसून और लेबर्स की जो वो उसको बनाने में हेल्प करता है, है। आर्किटेक्ट रफ डिज़ाइन बनाता है और उसको रफ़ डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कौन करता है मैसून उसके बाद जब मैसून अपना काम कर देता है उसके बाद हमें चाहिए होती है प्लम्बर की हेल्प जो फिटिंग करता है हमारी पाइप स्टैब्स की अब और किसकी ज़रूरत होती है कारपेंटर की जो हमारे विंडोज़ डोर और कपबोर्ड बनाने में हेल्प करता है बिल्डिंग में सब मटेरियल का यूज़ होता है ना अगर हमें बिल्डिंग पूरी कंप्लीट चाहिए तो उसमें हमें हर एक पीपल की हर एक पर्सन की नीड होती है और हमें इलेक्ट्रिशियन की भी नीड होती है ताकि उसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग हो सके और पेंटिंग बिल्डिंग बनी है तो उसको पेंट करने में भी किसी की हेल्प चाहिए तो पेंटर पेंट करता है तो ये टॉपिक था हमारा बिल्डिंग्स एंड बिल्डर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे ये हमारा चैप्टर नंबर सेवेंटीन का हाउसेज एंड ब्रिजेस का पार्ट वन था अब हम पार्ट टू में रीड करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे